friends, good evening. Today we will continue our previous chapter, that is motion. So we have done some numericals yesterday, and today we will do some equations. जो motion में कुछ equations है, very very important equation which we will do today. तो first सबसे पहले तो है equation of uniformly accelerated motion. Motion में थ्री इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है, थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज कंसिडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को क्या होता है, ऑलवेज यू. इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज यू. सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. हम लोग के पास ए है, ठीक है, हम लोग के पास यू है, नेक्स्ट टाइम है हम लोग के पास टी, ठीक है, और बोला जा रहा है जो फाइनल वेलोसिटी है वो है क्या मेरा v. क्लियर, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है. अब हम लोग को पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है. तो वही चीज है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, at इज इक्वल टू v माइनस u. देन अगर हम लोग को v फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, at प्लस u. अगर हम लोग को v फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, at प्लस u हो जाएगा. एंड इसी को हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. स्टार मार्क कर रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये किससे डेराइव हुआ, वो सिंपली हम बता दिए कि ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था उसी से डेराइव हुआ. एक्सेलरेशन का जो हम लोग का फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, उसी से हम लोग का ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डेराइव हुआ. क्लियर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर, नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम लोग को पढ़ना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो क्या है, सपोज ए बॉडी हैज अ इनिशियल वेलोसिटी. मान लीजिए किसी बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल यू है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज ए, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है मेरा ए फॉर टाइम टी. टाइम किसके लिए, टी के लिए. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सो दैट इट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v. हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, a है मेरा एक्सेलरेशन, t है मेरा टाइम. ट्रेवल्ड द मूविंग बॉडी इन टाइम t इज s. हम लोग का जो बॉडी ट्रेवल किया यानी कि जो डिस्टेंस है ना उसमें उसको यहाँ पे s से दिखाया गया, यानी कि जो डिस्टेंस है जितना बॉडी ट्रेवल करेगी उसको हम यहाँ पे s से दिखाएंगे. तो स्मॉल s क्या है, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी. U क्या है इनिशियल, V क्या है फाइनल, T क्या है टाइम, एंड A क्या है मेरा एक्सेलरेशन. अब हम लोग के पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी. अब हम लोग को अगर हम यहां रफ करते हैं, हम लोग का क्या है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मेरे को निकालना है. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है हम लोग का इनिशियल प्लस फाइनल बाय कोई भी चीज का. हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसको ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे जितना नंबर्स हम लोग लेते हैं. यहाँ पे क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू, यानी कि u प्लस v डिवाइडेड बाई टू. ये मेरा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया. अब हम लोग को क्या पता है, ये जो v है, ये v मेरा ये चीज है, ये v के जगह हम ये इक्वेशन को पुट कर सकते हैं जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो हम क्या करेंगे, इस v के जगह पे हम u प्लस at कर दिए, u प्लस at कर दिए, प्लस हम लोग का क्या बचा, u बचा,
डिवाइडेड बाई टू हो गया, डिवाइडेड बाई टू हो गया, ये मेरा क्या है एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। हाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है, बट हम लोग एस भी निकालना है इसमें, एस एस हम लोग को चाहिए। ये हम इसको 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 नॉर्मली यहाँ पे रखते रखते हैं, हम लोग का एस निकालना है, हम लोग का एस निकालना है। तो एस क्या है, मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे किससे दिखाया गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोग को किससे दिखाया गया, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस इज इक्वल टू व्हाट, अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे जो स्पीड है वही मेरा वेलोसिटी है, इनटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी हम कितना निकाले थे, v प्लस यू बाई टी क्या हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है v प्लस यू बाई टू इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, t से, और इधर क्या है मेरा s, इधर क्या है मेरा s है, क्लियर। नेक्स्ट इस तरफ कर, उसके बाद हम इधर बना, तो s इज इक्वल टू इतना हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इधर ही बनाते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा जो v है, v के जगह हम u प्लस at कर सकते हैं, v के जगह हम u प्लस at कर सकते हैं, तो क्या किया हम u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2 होल इन ब्रैकेट t, ये t से मेरा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा at प्लस 2u डिवाइडेड बाय 2 बाहर में t, ये मेरा s, ठीक है। पूरा ही रख कर दे, नेक्स्ट क्या है, अब ये मेरा 2u है, अब t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, a t स्क्वायर प्लस 2ut डिवाइडेड बाय 2 इधर s, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू टी, यानी कि एस क्या हो गया मेरा, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा किसका फॉर्मूला निकल गया, ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड का निकल गया, ये मेरा जो एस है ये मेरा क्या है ट्रैवल्ड डिस्टेंस है। हम यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे एस इज इक्वल टू व्हाट, ट्रैवल्ड डिस्टेंस, तो ये क्या है मेरा ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, तो ये मेरा क्या हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। नेक्स्ट अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे, हम इक्वेशन थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसमें, कि हम लोग का जो ये वाला स्टेज है ना, ये वाला जो स्टेज है, इसको हम एज इट इज करें यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे इसी का जरूरत है, हमें थर्ड वन निकालने के लिए भी इसी का जरूरत है, बाई यू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, ठीक है इंटू टी। अब जो ये टी है ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें क्या पता है कि मेरे को a निकालना जब पड़ता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t करता है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है तो v माइनस यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t करते हैं। जब मेरे को t निकालना होगा तो, जब मुझे t निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे v माइनस यू बाई a, ये जो a है इधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो t का मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया मुझे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, यहां तो मेरा s है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है मैथ्स में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे का जो 2a है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू s, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2a को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा मेरा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, यानी कि मेरा यही फॉर्मूला हो जाता है, यही फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों हमेशा याद रखना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट हम एक साथ लिख देते हैं कहीं पे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या निकला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस इक्वेशंस, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है, कल जो हम बताए थे जो एक्सेलरेशन की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कल बताए थे, आई हैव एक्सप्लेन, इसमें हम जी लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम माइनस जी लेते हैं, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी फॉल कर रही है ऊपर से नीचे तो उसको हम प्लस जी लेते हैं। तो ये है क्या, ये आपका ए ही है, ये एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो दोनों ही ए है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, ये आपका पॉजिटिव वे हो जाता है, ये आपका नेगेटिव वे हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी बॉडी को अगर हम लीनियर ना मान के, अगर हम लोग कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपवर्ड यानी कि बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, जिसमें हम लोग ऊपर से नीचे का काम करें, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे हम ए नहीं लेते हैं, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फर्स्ट था, इक्वेशन क्या था, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, तो मेरा हो जाएगा जी टी, जहां मेरा ए था वहां मेरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन मोशन का ही है लेकिन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी यानी कि बॉडी जब भी लीनियरली आगे पीछे होती है, यानी कि यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो हम लोग ए टी लेते हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब भी बॉडी ऊपर से नीचे तक होती है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड, तो वहां पे हम लोग जी लेते हैं, प्लस का जी और माइनस का जी, डिपेंड करता है बॉडी ऊपर जा रही है कि बॉडी नीचे आ रही है, क्लियर। उसी तरीके से दूसरा नंबर में क्या था मेरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, तो वहां पे हम जी टी स्क्वायर करेंगे, जहां पे मेरा a था वहां पे हम g करेंगे, ठीक है, ये मेरा सेकेंड हो गया, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन था वो था मेरा v 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए एस है उसकी जगह हम जी एस करेंगे, जो मेरा ए एस है वो मेरा जी एस हो जाएगा। ये सब ये तीनों कब होगा, जब मेरा जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, और किसी भी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कब होता है, जो बॉडी या फिर ऊपर जाती है या फिर बॉडी नीचे आती है, सिर्फ यही दोनों कंडीशन में मेरा हम इन तीनों इक्वेशंस को लेते हैं। ये तीनों इक्वेशन सेम है मोशन की तरह, बस हम एक्सेलरेशन की तरह a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जी हो जा रहा है, a इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जी हो जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है ना वो क्या हो जा रहा है, मेरा ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, इसीलिए a इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा जी हो जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो क्या है, ए कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 2 सेकेंड देयर आफ्टर इट इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर,
तो एक मेरा 50 किलोमीटर है, दूसरा मेरा 60 किलोमीटर है। तो और मैं टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। हम लोगों ने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो गिवन दिया क्या क्या है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड क्या है कार का, यू है आपका दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। ठीक है, सेकेंड वी क्या है आपका, 60 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग को टाइम दिया हुआ है किसमें, सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो जाहिर सी बात है ये मेरा सेकेंड में है तो मेरा ऊपर वाला भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए तो ना हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ये भी मेरा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है तो मेरे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, बनाना होगा मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 × 5/18। ठीक है, 50 × 5/18 क्या हो जाएगा, ये 250/18 मीटर पर सेकेंड, 250/18 मीटर पर सेकेंड। अभी काटते नहीं है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 × 5/18। जब भी हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है हम उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। ठीक है, हम बता चुके हैं हम क्यों करते हैं, क्योंकि 1000/3600 क्या हो जाता है, काटने के बाद 5/18 ही मिलता है। ठीक है, अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, 300/18 मीटर पर सेकेंड, 300/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या निकालना, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, a का फॉर्मूला मुझे पता है, b माइनस u डिवाइडेड बाई t। ठीक है, b माइनस u डिवाइडेड बाई t, तो क्या हो जाएगा मेरा, a निकालना है तो b क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे b है मेरा 250/18 माइनस इनिशियल क्या है, सॉरी b मेरा जो फाइनल है वो मेरा 300 है और इनिशियल है मेरा 250/18। ठीक है ना, b आपका 300 है और जो आपका इनिशियल है यू है क्या है वो 250 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा मेरे को, 50 × 18 / तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा, 25 हो जाएगा। तो ये समथिंग 1.3 हो जाएगा, ये समथिंग 1.39 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.3 मीटर पर, दिस इज द आंसर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली। अभी क्या है, अपवर्ड फेंक रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बॉल एक यहाँ पे है उसको हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो यू था मेरा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किए तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब जब ये ऊपर तक पहुंचा तो ये क्या हो गया, जब ये ऊपर पहुंचा तो मतलब कहीं पे तो रुका होगा ना, तब ना वो नीचे ना स्टार्ट करेगा। जब बॉल ऊपर गया तो ऊपर कोई ऐसा पोजिशन रहेगा जहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, तो जिस पोजीशन पे वो स्टॉप हुआ वो मेरा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टॉप हो जाएगा बॉल, बॉल को अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जिस पोजीशन पे बॉल स्टॉप हो जाती है उस पोजीशन को हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, वो क्या है, रेस्ट में है, मतलब कि स्टॉप है, तो क्या है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोला जा रहा हाइट, कितना हाइट तक बॉल ट्रैवल किया, ये हाइट, ये जो डिस्टेंस है ना इसी को हम हाइट बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ यही मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे जी जो लेना है ये कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारा चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, तो v क्या था यहाँ पे मेरा, ये 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका u का स्क्वायर, u क्या है मेरा, u है मेरा 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 × अब a की जगह पे क्या लेना है, g लेना है, और s क्या है, s मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, s मेरा क्या है, डिस्टेंस है,
तो डिस्टेंस ही यहाँ पे क्या है, h जो डिस्टेंस क्या है, यही ना बॉल डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे हाइट में है, लीनियर होता है तो हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन जब वो हाइट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, अपवर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हाइट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये h h करेंगे, ठीक है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, माइनस यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब ये जो जी है ये हम अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रहा है, बॉल जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम क्या करते हैं, माइनस जी लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस जी लेते हैं। जब बॉल नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम क्या लेते हैं, प्लस जी लेते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, प्लस जी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी। माइनस जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 9.8 इंटू एच हो जाएगा, निकालना है मुझे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 100, यानी 100 यानी कि इसको 10 का स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर ही रखते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2.98, ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 5 10, तो क्या हो जाएगा मेरा 50 डिवाइडेड बाय 9.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो लगाएंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 5.10 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये मेरा हाइट है और ये हाइट कितना हो जाएगी, मीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, दिस इज माय आंसर 5.10, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू, ए हम निकाले 10 बाई 9 का,
10 by 9 into t square, t कितना है 4, यानी 4 into 4, यही होगा मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, अब हम भी जो कट रहा काट लेते हैं 2 से 5, ठीक है, और तो नहीं कट रहा कुछ भी। अभी क्या हो जाएगा, 4 2 is 8, 80 by 9, 80 by 9 plus, अब आपका हो जाएगा 4 4 is 16, 16 5 is 16 5 is 80, ओके, 16 5 is 80, ठीक है। अब 80 by 9 और 80 by 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे को 160 by 9, ये हम किससे काट सकते हैं, किसी से काट नहीं सकते, तो 160 by 9 है ना, इतना मीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 1 9 हो जाएगा 70, ठीक है, 70 9 9 9 81 9 7 63 9 7 63, ठीक है, 7 9 9 1 9 7 9 7 63 63 हो जाएगा, 70 हो जाएगा अगेन 9 7 63 मीटर ओनली मीटर, ठीक है, मीटर आपका यूनिट हो जाएगा क्योंकि क्या है मेरा डिस्टेंस का यूनिट है। तो 17.7 या फिर मेरा 160 by 9 मीटर, ठीक है, 17.7 मीटर अप्रॉक्स आ रहा मेरा क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू हाइट 19.6, यानी कि एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है, वो यहां तक पहुंचा, ठीक है, वहां तक ऊपर तक पहुंचने के बाद ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, अगेन ये यहाँ पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, अगर ये ग्राउंड का सरफेस है तो अगेन ये ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। बोला जा रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, इट गोज टू हाइट 19.6, तो हाइट है जो मेरा यहां से यहां तक का वो क्या हो गया मेरा 19.6, यानी कि मेरा जो हाइट है यही मेरा एच है, तो एच क्या हो गया मेरा 19.6 मीटर, ठीक है। एंड देन कम्स बैक, उसके बाद वो बॉल क्या होता है ऊपर तक जाने के बाद वो वापस आ जाता है, वापस जमीन में आ जाता है, ठीक है। फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग का बोला पहला क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो जब यहां से बॉल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वो एक रेस्ट पोजिशन पे आएगा, जहां पे क्या होगा वो एक रेस्ट पोजिशन पे आएगा जहां पे बॉल रुक जाएगा, तो वो जो पोजिशन होगा ना वो होगा मेरा वी, फाइनल पोजिशन उसी को बोलेंगे वी, वो क्या हो जाएगा मेरा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोला जा रहा है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और मेरे पास जो ए है एक्सेलरेशन वो क्या है मेरा, यही मेरा जी है, हम इसको जी लेंगे, नेगेटिव में इसलिए लेंगे क्योंकि बॉल क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, नेगेटिव में इसलिए लेंगे क्योंकि बॉल मेरा ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये मेरा माइनस जी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या करना है यू निकालना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यानी कि जी एस 2gs, ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या है मेरा 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है मेरा 9, यू स्क्वायर क्या है मेरा, इसी को तो मुझे फाइंड आउट करना था, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही रखेंगे, 2 इंटू जी क्या है मेरा माइनस का 9.8, ठीक है, मल्टीप्लाई एस क्या है मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया 19.6, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया 19.6, जी की जगह हम यहाँ पे एच लिख सकते हैं, जी की जगह हम एच लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका एक्सपर्ट तो 0 ही होता है, यू तो फाइंड आउट करना है माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या रहा है 19.6,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 आएगा, ये अगेन 19.6, 19.6 इंटू 19.6 ये रूट पे चला जाएगा 19.6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर चला गया तो यू क्या बच जाएगा मेरा 19.6 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा क्या मेरा, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। जितना आप स्पीड से फेंकेंगे, जितना वेलोसिटी से फेंकेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, यू है, वही मेरा कितना आ गया 19.6, वो मेरा कितना आ गया 19.6, ये मेरा क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना टोटल टाइम ऑफ जर्नी, हम लोग को जर्नी का टोटल टाइम फाइंड आउट करना, तो जर्नी का मेरे को टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग का टाइम क्या है, हम टी से डिनोट करते हैं, सपोज टाइम क्या है मेरा टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज टाइम हम पहले वन साइड का निकाल रहे, ठीक है, टाइम हम किसका निकाल रहे, वन साइड का निकाल रहे। तो हम लोग एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है, u प्लस ए टी को हम लोग जी टी ले रहे हैं यहाँ पे। तो v मेरा क्या है, यहाँ मेरा फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 19.6 अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्लस g कितना है मेरा, ये है मेरा माइनस का 9.8 इंटू टी कितना है मेरा, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, ये 19.6 लग जाएगा तो माइनस का 19.6 आ जाएगा, और ये तो माइनस में 9.8 इंटू टी ही है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, पॉइंट हट गया, कैंसिल किया, 2 बचा, तो क्या मिला मेरे को 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड क्या हो गया, ये मेरा जो जर्नी है ये मेरा वन साइडेड जर्नी है, क्या है मेरा वन साइडेड जर्नी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की जर्नी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो क्या लिखेंगे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, ये जाने में मेरे को 2 सेकेंड लग गया, ठीक है, तो वापस आने में भी मेरे को 2 सेकेंड लगेगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू टाइम ऑफ वन साइड जो टाइम है कितना निकला 2 सेकेंड, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा मेरा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड क्या हो गया मेरा आंसर, सेकेंड का आंसर क्या हो गया 4 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या निकल गया मेरा 4 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या निकल गया मेरा 4 सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को बोला जा रहा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक ग्राउंड, ऑब्वियसली बॉल यहाँ था, यहाँ से ऊपर आने के बाद ऊपर में आपका वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद वापस नीचे आया तो कुछ वेलोसिटी के साथ गिरा होगा, जब जमीन में टक्कर खाया मतलब बॉल वापस, तो क्या होगा कुछ वेलोसिटी के साथ खाया होगा, ऐसा तो नहीं ऊपर से नीचे आ जाएगा, अगर उसमें वेलोसिटी ही नहीं रहेगा तो नीचे आएगा ही कैसे, जाहिर सी बात है कुछ रहेगा, तो ये जो वेलोसिटी जो नीचे स्ट्राइक करेगा ना वो इक्वल रहता है, किसके इक्वल रहता है, इनिशियल के इक्वल रहता है, ये जो वेलोसिटी होता है फाइनल वाला जिसमें मेरे को ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो मेरा इक्वल रहता है किसका, इनिशियल का, इनिशियल का इक्वल रहता है। क्या लिखेंगे हम थर्ड नंबर में, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक ग्राउंड इज सेम किसके सेम रहेगा, इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू के इक्वल रहेगा, ठीक है, तो यू के इक्वल रहेगा, ठीक है,
तो क्या होगा मेरा, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज, सो वेलोसिटी व्हेन इट इज स्ट्राइक ग्राउंड, व्हेन व्हेन बॉल बॉल स्ट्राइक ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19.6, यही मेरा था इनिशियल मीटर पर सेकंड, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, क्लियर? इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हियर इज क्वेश्चन, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी का कंसेप्ट है, ठीक है, कैलकुलेट हम लोग का क्या हो रहा है, जो स्टोन है ऊपर से नीचे गिर रहा है रेस्ट से, ठीक है, तो इसका मतलब रेस्ट से गिर रहा है, इसका मतलब यू क्या हो जाएगा मेरा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पोजिशन में रेस्ट से गिर रहा ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से छोड़ रहे हैं स्टोन, ऊपर से यहाँ गिर रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में है, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा यही हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए हम जी को क्या लेंगे प्लस लेंगे, नीचे का डायरेक्शन में इसलिए हम जी को क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है, तो जी जो है मेरा प्लस हो जाएगा, जी मेरे को 9.8 लेना, तो ए यहाँ पे क्या है मेरा, यही मेरा प्लस का जी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, आफ्टर कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये हाइट निकालना है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जब ये मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर आ जाता है तो ये जो एस है ये मेरा एच बन जाता है, यू टी टू यू टी ही रहेगा और हाफ तो तुम्हारा हाफ ही रहेगा और ए क्या हो जाता है जी हो जाता है और टी तो टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एच तो मुझे फाइंड आउट करना है, यू क्या है मेरा 0 इंटू टी क्या है, टी है मेरा 2 सेकेंड, तो 2 से तो कुछ भी इंटू कीजिएगा आप 0 ही मिलेगा, प्लस हाफ 2 इंटू जी क्या है मेरा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और टी क्या है मेरा, टी है मेरा टाइम, टाइम क्या है मेरा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा होल पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपका 1 2 और 1 2 कट गया तो क्या बच रहा है, एक ही 2 बचा, तो 9.8 इंटू 2 यही मेरा एच है, तो एच क्या हो गया मेरा 19.6 मीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर? इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन वेरियस डायमेंशन, वेरियस डायमेंशन मतलब मोशन हम लोग का वेरियस डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन क्या क्या होता है, एक होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D, ठीक है, 1D 2D यानी कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो सबसे पहले फॉर 1 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें मेरा सिर्फ एक ही लाइन हो यानी कि एक ही एक्सिस हो, सपोज या फिर एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, या फिर मेरा वाई एक्सिस होगा, या फिर क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस होगा, इन दोनों में से जब कोई एक ही एक्सिस हो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका कोई भी वायर ले लीजिए, वायर क्या है 1 डायमेंशनल, बस एक लाइन रहता है वो क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा 1 डायमेंशनल, अभी मेरे पास यहाँ कुछ दिखाने के लिए नहीं है, अगर वैसे कि वो क्या हो जाएगा मेरा 1 डायमेंशनल, ठीक है, जैसे कि चौक, चौक में तो फिर भी समझिए कि थोड़ा बहुत थिकनेस है, लेकिन मान लीजिए एकदम पतला वायर है ये, ठीक है, ये क्या है पतला वायर है, ये जो है ये मेरा क्या है एक पतला वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पतला वायर है वो क्या हो रहा है मेरा, जो पतला वायर है ये क्या है मेरा, ये मेरा, ये तो मेरे पास सिर्फ x एक्सिस होगा, अगर हम इस साइड से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा x एक्सिस पे होगा,
ठीक है। अगर आप इसको वर्टिकली कर दे तो ये अब क्या हो जाएगा मेरा, ये वाई एक्सिस पे होगा, यानी कि ये पर्टिकुलर चौक या फिर एक्स एक्सिस पे होगा या फिर ये वाई एक्सिस पे होगा, या फिर ये एक्स एक्सिस पे होगा या फिर ये वाई एक्सिस पे होगा, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। तो जो डायमेंशन सिर्फ एक ही आपका एक्सिस दे वो क्या हो जाएगा, वो कहलाता है मेरा 1D, यानी कि वन डायमेंशनल, हम उसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल। क्लियर। नेक्स्ट, जब भी टू डायमेंशनल क्या हो जाता है, जब भी हम लोग को दो एक्सिस मिले, यानी कि दो एक्सिस मिले, जैसे कि ये आपको मिल गया क्या वाई एक्सिस, ये आपको मिल गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, नेक्स्ट आपका ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। तो आपको क्या मिला, टू डायमेंशनल मिल रहा है, ठीक है। अगर आप जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे आप तुरंत बोलेंगे कि आप इसका एक्स एक्सिस में जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू लेंगे, तो ये वाई का वैल्यू, इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट मिल रहा है जिसमें मेरे को क्या मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस का ले रहे हैं, एक वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का, ये वैल्यू लेने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल जा रहा प्लेन पे, इस प्लेन पे मतलब ये एक्स और वाई जो प्लेन है, इस प्लेन पे मेरे को क्या मिल रहा है, हम लोग का इस प्लेन पे क्या मिल रहा है, मेरे को पॉइंट मिल जा रहा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो डायमेंशन, यानी कि आप दो एक्सिस का यूज करके, कोई भी दो एक्सिस का यूज करके हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है टू डायमेंशन, उसको टू डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये वन एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है, दो एक्सिस मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लानर, प्लानर मोशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लानर मोशन, क्या बोल सकते हैं, प्लानर मोशन, यानी कि प्लेन में, ये जो बोर्ड क्या है, दिस बोर्ड इज माय प्लेन, ये मेरा प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये मेरा प्लेन सरफेस है, या फिर वॉल बोलिए, ये सब क्या है, मेरा प्लेन सरफेस है। तो जिसमें भी मेरा प्लेन सरफेस होता है, जिसमें आप कोई भी प्लेन सरफेस, ये आप समझिए प्लेन सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसका आपका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना, और कुछ तो नहीं बोल सकते इसमें, हाइट तो नहीं बोल सकते हम, इसमें सिर्फ क्या बोल सकते हैं, इसमें लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, जैसे कि स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर क्या है, ये आपका टू डायमेंशनल है, स्क्वायर क्या है, ये आपका टू डायमेंशनल है। क्लियर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लेनर मोशन, टू डायमेंशनल मोशन इन टू डायमेंशनल जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेनर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोशन इन थ्री डायमेंशनल, मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ये क्या होता है, अब मेरे पास वन डायमेंशन में वन एक्सिस था, टू डायमेंशन में टू एक्सिस था, तो थ्री डायमेंशन में क्या होगा, थ्री एक्सिस होगा, तो थ्री एक्सिस होगा कहाँ, आप समझिए कि ये आपकी तरफ है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो ये थ्री बनेगा कहाँ, थ्री इस साइड बनेगा, ठीक है, मेरी तरफ, ठीक है, मेरी तरफ, इसको हम एज टू डी हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम एज इट इज ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम जेड एक्सिस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, दिस इज चौक, ठीक है, दिस वन इज चौक, ये डस्टर हुआ, ठीक है, तो ये एक एक्सिस मिल गया, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो खड़ा है चौक, ये क्या है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और तीसरा क्या बनाएंगे हम ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा मेरा, ये मेरा इस साइड आ रहा, ठीक है, ये मेरा इस साइड आ रहा, तो ये क्या हो जा रहा मेरा, ये मेरा जेड एक्सिस हो जा रहा, ये क्या हो जा रहा मेरा, ये मेरा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हम इधर से देखें तो भी ये मेरा 90 डिग्री है, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये चौक से ये चौक भी क्या है मेरा 90 डिग्री है, अब ये चौक से आपका जो ये डस्टर है ये भी मेरा 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे पे 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ पे भी ये मेरा टू एक्सिस पे भी ये मेरा 90 डिग्री का था, यहाँ पे ये भी मतलब एक्स वाई पे भी जो क्या है, एक्स के ऊपर जो वाई है एक्सिस है, ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बना है, और जो जेड है ना वो भी आपका एक्स से भी 90 डिग्री है और वाई से भी 90 डिग्री, ये भी एक्स से भी क्या है 90 डिग्री है और मेरा वाई से भी 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई क्यूब बनाते हैं, ठीक है, हम कोई क्यूब बना रहे हैं, तो क्यूब में क्या हम बोलेंगे, इसका मेरे को अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, मतलब इसका अगर लेंथ भी चाहिए इसका मुझे ब्रेथ भी चाहिए और इसकी मुझे हाइट भी चाहिए। लेंथ अगर हम इसको मानते हैं, लेंथ ये है, ब्रेथ आपका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये आपका लेंथ है सपोज, है ना, ये ब्रेथ है, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका,
है, ब्रेथ है, तो आपका ये हाइट हो जाएगा 1 2, दिस इज, वहां देखो दिस वन इज 1 1, ठीक है, ये लाइन, और ये लाइन 2 हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर में मेरे को एक ये लाइन मिल गया, एक ये लाइन मिल गया, और इसके जब हम ये करेंगे क्या बोलते हैं इसका बैकवर्ड में जाएंगे तो ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये वाला जो है ये मेरा हाइट हो जाएगा इसका। उसी तरीके से अगर पीछे वाला प्लेन को लेते हैं, सपोज ये पीछे वाला प्लेन को लेते हैं, तो ये मेरा एक हो गया लेंथ, ये मेरा ब्रेथ हो गया, और ये मेरा हाइट हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा मेरा यहाँ पे, ये मेरे को एक्स एक्सिस में जो मेरा एक्स एक्सिस पे जो मेरा को लाइन मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे जो मेरे को लाइन मिल रहा है, ये मेरा क्या लाइन हो रहा है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लीनियर लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं, मतलब मेरा एक ही लाइन पे होता है ना, जो मेरा पहला है जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस रहता है, जो मेरा 1D है उसमें, जिसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और क्या बोल सकते हैं हम उसको, रेक्टिलीनियर मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स भी है कुछ, जैसे कि स्ट्रिंग, मोशन इन अ स्ट्रिंग, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, मोशन इन अ स्ट्रिंग और मोशन इन ए वायर, कोई भी तार हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, इस तरह के हम क्या बोलते हैं सबको, मोशन इन ए एक्स एक्सिस, ठीक है, 1D में होता है, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, जो मेरा 2D रहता है, जैसे कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन, जिसमें मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा दोनों रहता है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन, क्योंकि ये मेरा एक ही प्लेन पे है, दिस बोर्ड इज व्हाट, ये प्लेन है, ठीक है, ये मेरा सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देगा, ये क्या होगा, एक प्लेन में दे रहा है। कॉपी का जो पेज होता है ना, कॉपी का जो पेज, वो भी क्या हो गया, सपोज ये कॉपी का पेज है, ठीक है, ये कॉपी का पेज है, बुक का पेज है, तो ये पेज क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक ही मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या हो जा रहा है मेरा, एक प्लेन में मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन, इसको बोल सकते हैं हम प्लेनर मोशन, क्लियर। या फिर इसको प्लेनर मोशन बोलते हैं, और इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये आपका प्रोजेक्टाइल होता है जो आप यहां से यहां तक रोटेट होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, क्या हो रहा है, एक प्लेन ही तो जा रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो 3D का कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कोई भी आप स्टोन को अगर यहाँ से यहाँ तक थ्रो करते हैं तो ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो ये क्या हो गया, प्लेनर मोशन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसका एग्जाम्पल्स में हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर और सर्कुलर मोशन भी होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा, जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल में क्या होता है आपका, रेडियस होगा, डायमेंशन होगा, जो भी होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही मिलेगा ना, एक्स और वाई पे, तो 3D का कुछ काम नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन का भी जो एग्जाम्पल होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, 2D के अंदर आ जाएगा, वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा, 2D के अंदर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, थ्री डायमेंशन, इसमें कौन कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब स्पेस मोशन भी बोल सकते हैं, स्पेस इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि स्पेस आपका क्या हो जाता है, ऑब्वियसली पूरा खाली जगह रहता है, वैक्यूम इलाका रहता है, तो ऑब्वियसली जैसे कि ये वैक्यूम इलाका, तो क्या इसमें भी, इसमें क्या है आपका, एक एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पेस जो है वो क्या हो रहा है मेरा,
एग्जाम्पल ऑफ ए थ्री डी मोशन, ठीक है। इसके बाद फ्लाइंग ऑफ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, इन द स्काई। और क्या हो जाएगा, एटम्स मूविंग, एटम क्या करता है, हर पार्टिकल्स में एटम क्या करता है, ऑलवेज मूव करते रहता है, एटम्स एटम्स क्या रहता है, ऑर्बिट ऑब्वियसली प्रेजेंट रहता है उसके अंदर। एटम्स मूविंग भी क्या है, ये भी आपका क्या होगा, थ्री डायमेंशनल में होता है, क्योंकि नॉर्मली एटम्स क्या होता है आपके थ्री डी बॉडी स्फीयर शेप में होते हैं, ये सर्कुलर शेप में नहीं होते हैं। एटम्स जो होते हैं ना वो सर्कुलर शेप नहीं है, ये स्फीयर शेप है। स्फीयर शेप मतलब सपोज आप दो कैसे बोले, स्फीयर शेप मतलब जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल है वो क्या है, वो एक स्फीयर शेप है, वो सर्कुलर शेप नहीं है, फुटबॉल इज अ स्फीयर शेप, ठीक है। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस मोशन इन वेरियस डायमेंशन, वी हैव सीन इक्वेशंस आल्सो एंड उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पे भी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे भी न्यूमेरिकल्स किए, एक्सेलरेशन पे भी न्यूमेरिकल्स किए। सो आफ्टर दैट हम लोगों को कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ना है इसके ऊपर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट डे, ओके। थैंक यू सो मच।